You see, the times have changed. Values have changed. वक्त कम है लोगों के पास. आहिस्ता आहिस्ता वक्त कम होता जाएगा और भी. PVR cinemas, going and seeing the film is not more important. Having the outing is more important to them, to most of them. Because PVR के cinema की ticket कितनी महंगी है. हर कोई तो afford नहीं कर सकता ना. छोटे गांव में तो कर लेगा. आप देखिए कि most of the hit films, सलमान खान, शाहरुख खान, not अमीर खान, अमीर खान says something, वो तभी अपनी फिल्म में कोई बात लाता है. वो ऐसे नहीं करता. उसमें कोई तत्व होता है, उसमें कोई कहना होता है. उस कहने की बात भी मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ कहना, किसको कहते हैं. एक कथा है जिसका मैं कोट करता हूँ, नटशास्त्र में है. नटशास्त्र में बहुत से लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे. ये क्या है कि वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेगा, हम वेद नहीं पढ़ सकते क्या, हमारा क्या होगा. उन्होंने कहा जी सोचता हूँ, बात करके बताता हूँ. उन्होंने शिवजी महाराज को बताया. शिवजी से बोला कि जी इनका कोई पांचवा वेद बनाइए जो सब पढ़ सकें. उन्होंने कहा ओके, गिव मी टाइम. काम के बाद कहना मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गई है. विश्वकर्मा को बुलाइए. विश्वकर्मा को अपनी कॉन्सेप्ट दी तो चार दिन के बाद विश्वकर्मा आ गए कि ये प्लेटफॉर्म रख दिया छोटो. ये क्या है, ये स्टेज है. स्टेज क्या हुई, इस पर दो दरख्त खड़े, जंगल हो गया, एक छोटी झोंपड़ी बना तो घर हो गया, एक महल लगा तो महल हो गया, गाना गाना है गाना गा लो, उसको नाचना है नाच लो, लेकिन गाओ वेद. उसमें कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कोई एसेंस होना चाहिए, कोई थीम होना चाहिए उन बातों में जो आप कहें. वो पांचवा वेद है. हमारी थिएटर वहाँ से शुरुआत है. आर थिएटर स्टार्टेड विद दैट. लेकिन वक्त बदला तो वो नंगी बात ज़्यादा आ गई, छोटी पेंट बहुत हो गई. बिकॉज सेक्स को भूखा है ये मुल्क. सब सेक्सी हैं, ऐसा कोई नहीं. सेक्स परवान है इस मुल्क में, क्योंकि दबा के रखा है औरतों को बहुत बुरी तरह इस मुल्क में. आप हो कहीं थोड़ी सी उसका कपड़ा में किरदार शर्मा कहते हैं, इतना सेक्स दिखाओ कि बाकी का अपना दिमाग लगाए कोई. यहाँ तो दिमाग लगाने ही नहीं देते, सीधा ही नंगा सीधा बता देते. वट इज नॉट बींग शोन इज बींग शोन. और ये जो फिल्में बहुत बहुत 200 करोड़ कमाती, 300 करोड़ कमाती हैं क्या, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. उसके अंदर मारामारी, उसके अंदर सेक्स, उन्हें रोमांस, दो एलिमेंट सर देते दे, पांचवा वेद कुछ नहीं है उसके अंदर. लेकिन आज मैं आई वॉज अ मेंबर ऑफ अवार्ड कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल अवार्ड कमेटी. मैंने पिक्चरें देख के आया हूँ. इस मुल्क को कुछ छुएगा नहीं. हम ईरान कुछ नहीं, ईरान को पीछे छोड़ देंगे. मराठी फिल्में विल लीव ईरान ऑन द बैक. द फिल्म दैट आर मेकिंग मेड इन बीइंग मेड इन द साउथ आर सुपर फिल्म्स. सम फिल्म्स विच आर मेकिंग मेड इन इंडिया, हिंदी फिल्म विच आर बीइंग मेड इन बॉम्बे, दे आर ऑल्सो हैव सम मार्क. दे गॉट द अवार्ड. मराठी फिल्म्स गॉट द मैक्सिमम अवार्ड. तमिल तेलुगु पीपल पिक्चर मेड थीम. कुछ सब्सटेंस होता है, कोई बात होती है, कोई थीम कहते हैं, कोई बात कहते हैं. एक कहानी का नाम है सत्यम एलिजबेथ. अब कुछ ऐसा पहले ओम सत्यम कुछ एलिजबेथ, क्या बात है. आइंस्टाइन की बात कर रहा है वो. कहानी इज बेस्ड ऑन आइंस्टाइन थ्योरी. फिल्म आर बीइंग मेड नाउ. बीच में फेज आते हैं, जैसे कि पहले अपना सहगल साहब आए, सहगल साहब के बाद ऋषिराज कपूर आए, ऋषिराज कपूर के बाद दिलीप कुमार आए, राजकपूर आए, राजकपूर करते करते अब रजीश खन्ना आए, रजीश खन्ना अमिताभ एज़ एंग्री मैन आ गया. एज द थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग ऑन द वे, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो स्टार्टेड ऑन द वे. बट नाउ थीम्स आर नीडेड. बात चाहिए कहने को, बिकॉज सो मच बातें कह रहा है कंप्यूटर, सो मच चाहते हैं आपने गूगल बोल रहा है. आपको कुछ करना पड़ेगा ना, आपको भी तो कुछ बात कहनी की पड़ेगी. आपको एंटरटेन तो करना जरूरी है. एक फर्स्ट संस्कृत प्ले, द वेरी फर्स्ट संस्कृत प्ले विच आई गॉट होल्ड ऑफ है वॉज वन, जिसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ. कहानी ये है कि सारी दुनिया में एक प्रॉफिट की ज़रूरत है,
ए न्यू प्रॉफिट इज नीडेड, नॉट थिंग्स आर चेंजिंग. तो इसके लिए कहाँ से प्रॉफिट आए? सब प्रॉफिट तो हिंदुस्तान से ही आते हैं, सब प्रॉफिट तो इधर से आते हैं. खैर, उन्होंने कमेटी बनाई जो दुनिया में जाएगी. द हेड ऑफ द कमेटी, द सेक्रेटरी ऑफ हेड ऑफ द कमेटी इज होप अंधी, खूबसूरत, ब्लाइंड वुमन. उसमें विवेक है, उसमें रुद्र है, उसमें अपना लॉजिक है. द ऑल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन माइंड आर देयर एज मेंबर्स टू सेलेक्ट विच प्लेस द नेक्स्ट प्रॉफिट शुड गो. इट्स संस्कृत प्ले. आपको और बात बताता हूँ, मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे, हमारा कुछ इतना है जो इन ब्राह्मणों ने डिस्टॉर्ट किया. हम ब्राह्मण कैसे पैदा कर रहे हैं? शूद्र. यू हैव डिस्टॉर्टेड द हिंदू हिंदुज्म कंप्लीटली. दे हैव गिवन द अदर डायरेक्शन टू इट. काला घोड़ा, गंदा मंदा इंसान, नहीं चूड़ा, ये सब जो पैदा किया इन ब्राह्मणों ने किया अपने पैदे. आज ब्राह्मण लूट नहीं रहा तो क्या क्या है? कहते हो कि देखो जी कितने मुसलमान हिंदू मुसलमान हो गए, और कितने क्रिश्चियन हो गए, कितने कुछ हो गए, कन्वर्ट हो गए. ये जो बाहर वाले आते हैं वो कन्वर्ट करते हैं. आजकल ये जो गवर्नमेंट हमारी ये भी प्रेजेंट किया ही है, वो भी ये कहती है कि इनको कोई इन मुसलमानों को वोट ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं का वोट है. अबे सालों से तो सोचो ये मुसलमान हुए क्यों, किसने ये किया? अपना हिंदू धर्म संभालो, अपने हिंदू धर्म को संवारो ताकि हर इंसान यहाँ रह सके. ये तो वो धरती है, ये वो धरती है जहाँ कौन नहीं आके समाया. जब पारसी आए थे तो गुजरात में कहीं ने कहा हमारे पास जगह कोई नहीं है, उसने घर भरा प्यादा दूध का आग्रह सामने रख दिया. कहते कैसे कहाँ रहोगे, ये भरा हुआ इसमें क्या डाल? उसने शक्कर डाल दी. कहते हम ऐसे रहेंगे. दे आर हेयर. वो शक्कर अभी तक उनकी है. ये वही है. इस्लाम शुरू हुआ किधर से? सऊदी अरब से आया, ईरान में, जहाँ के पहला प्रॉफिट पैदा हुआ, जहाँ वहाँ से पारसी इज़्म जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से पहली गाथा वहाँ पर जो बुक उनकी थी गाता थी, दैट इज द फर्स्ट वेद. रावी के किनारे पहला वेद नहीं लिखा, पहला वेद ईरान में लिखा गया. आप इन चीज़ों को सोचो. आप अपने आप को तो संवारो ताकि दूसरा को बाहर ना जाए. अगर मैं यहाँ चार आदमी मेरे पास रहते हैं, किसी को खाना ना दूँ तो बाहर नहीं जाएगा क्या? उसको गाली दूँ बाहर नहीं जाएगा? नौकरी कहीं और जाकर नहीं करेगा? ये दूसरों को गालियाँ दे के अपने आप को भगवान समझ के आप हैं क्या? इन लोगों ने किया क्या था? इन्होंने इनके क्रेडिट में एक ही है कि इन्होंने गांधी मारा और कुछ नहीं किया. नथिंग इज टू देयर क्रेडिट. अब गांधी को दे तो कबरें खोद ये करने वाले हैं. मुसलमानों को बोलो वोट मत दो, मुसलमानों को वोट पावर नहीं होना चाहिए, ये करना है. ये सॉरी वेंट ऑफ द ट्रैक. तो हमारा मुल्क इनके बावजूद 10 साल गुजारने, 20 साल कर दे, रूल कर दे बीजेपी, दे विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट. ये अपना आप नहीं चला सकेंगे. ये वो हैं जो गद्दार हैं टू दिस कंट्री. दे आर नॉट, दे विल बिकम बेटर. मोदी कहता है पहले रूल तो करो, पहले कुछ दो तो सही मुल्क, फिर ये बातें करो. ये पहले दिन सी बातें करें. और कोई नोबडी शुड सी द पिक्चर ऑफ सलमान, शाहरुख, आमिर खान. अभी कहते हो ये क्या, किसको रोक लेंगे? ये देंगे क्या? ये जो हिंदू धर्म क्या धर्म है, देखिए क्या नाम है, शिवजी महाराज ना गणेश. गण ईश दो शब्द है. सुप्रीम अमंग बींग कौन होता है? सुप्रीम अमंग लीडर, द सरदार, द रूलर, यही होता है ना. वो क्वालिटी उसकी है, भगवान की नहीं है. इन्होंने पैसे बनाने के लिए भगवान बना दिए. लोगों को डरा के भगवान के दर्शन कराते हैं. आसाराम जी ने कितना लूटा इस मुल्क को, बंगाल वाले ने कितना लूटा इस मुल्क को, सारा कितना सोना पड़ा है साउथ में मंदिरों के अंदर है. कहते हैं नहीं ये साउथ, उसमें इतना सोना है साउथ के मंदिर में एक में पड़ा हुआ कि 5 साल ये गवर्नमेंट की हुकूमत चले एक पैसा लोगों से लेने की जरूरत नहीं है. कहते नहीं ये पैसा भगवान का है. अरे भगवान का अगर चाटता है इस पैसे को तुम खाते हो, ब्राह्मण को होना चाहिए. उससे कोई लाभ ही नहीं है, उसमें कोई लाभ नहीं है. ये वकफ सऊदी से आ रहा पैसा, सब पैसा खा रहे हैं. ये जो दूसरा भगवान के नाम पे कितना लूटते हैं लोगों को. मेरा ख्याल है हमारा भगवान
ने सबसे पहले करप्शन सिखाई है हिंदुस्तानियों, वो खाता है तो ये भी लूटते हैं. भगवान इज नॉट दैट, भगवान इज विद लिव्स विद इन यू, भगवान आपके अंदर है. भगवान वो सिखा जो आपके अंदर है, आपकी शक्ल भी वही है जो मुसलमान की है, वही शक्ल जो क्रिश्चियन की है, वही शक्ल उसका आदत वही है, कल्चर तो यही है. इस कल्चर को कितना बदलेगा पाकिस्तान, कितना कर लेगा, कर लियो तब भी ये नहीं जाने वाला. उनकी हिस्ट्री तो शुरू होती है सर 45 साल की, 47 से, उससे पहले तो हिंदुस्तान ही था ना. हिंदुस्तान तो सब ऐसे हमारे जैसा है, हमारा जैसा ये मुल्क ऐसे ही थे ना. उन्होंने क्या लिया, क्या पाया. डोंट डू दिस, लेट द कंट्री डिवेल्प, थिंक ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री, थिंक ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पीपल, थिंक दम, ट्रीट दम. फिल्म वालों को भी चाहिए कि ये बातें करें. सलीम आमिर खान करता है, बाकी कोई बात नहीं करता. किसी को कुछ कहना तो आमिर खान कहता है और कोई कुछ नहीं कहता.